JNCU में दीक्षांत समारोह को सफल बनाने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन। बलिया से खबर, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का पंचम दीक्षांत समारोह 26 नवंबर 2023 को प्रातः 10 बजे आयोजित होगा। इस संदर्भ में आज विश्वविद्यालय परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता कर रहे हैं। इस दीक्षांत समारोह की कार्यप्रणाली की व्यवस्था कुल सचिव SL पाल की निगरानी में हो रही है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर हरमहेंद्र सिंह बेदी पंजाब के प्रसिद्ध हिंदी लेखक और शिक्षाविद हैं। इनका जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले के मुकेरिया में हुआ। ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलाधिपति हैं। ये भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSR शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के परिषद सदस्य, सीनेट सदस्य, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के कार्यकारी सदस्य, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के हिंदी सलाहकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार और अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय निगरानी समिति भारत सरकार के सदस्य के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर बेदी को वर्ष 2017 में सेवी पुरस्कार, वर्ष 2004 में पंजाब सरकार द्वारा श्रोमणि हिंदी साहित्यकार पुरस्कार और वर्ष 2018 में हिंदी भाषा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राजभाषा विभाग भारत सरकार द्वारा राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया है। डॉक्टर बेदी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री योगेंद्र उपाध्याय उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपका जन्म दिनांक 30 अक्टूबर 1955 को आगरा में हुआ था। आप एक ओजस्वी वक्त एवं कर्मठ नेतृत्व प्रदाता हैं। छात्र जीवन से ही आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर राष्ट्र की सेवा में रत हो गए। 1989 में बतौर पार्षद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। इसके बाद आप 2012 और 2017 एवं 2022 में लगातार विधानसभा सदस्य चुने जाते रहे। इन्हें आगरा का भागीरथ भी कहा जाता है। आगरा में पानी की दिक्कत को दूर करके आज के भागीरथ के रूप में आपने आगरा वासियों को गंगा जल सुलभ कराया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल करेंगी। इस अवसर पर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के सत्र 2022 और 23 में स्नातक स्तर के कुल 21,372 विद्यार्थियों जिनमें 10,445 छात्र एवं 10,927 छात्राएं हैं तथा स्नातकोत्तर स्तर के कुल 3,430 विद्यार्थियों जिनमें 1,010 छात्र एवं 2,420 छात्राएं हैं। इस प्रकार कुल 24,802 विद्यार्थी जिनमें 11,455 छात्र एवं 13,347 छात्राएं सम्मिलित हैं को उपाधियां वितरित की जाएंगी। इस अवसर पर अपनी कक्षा के 38 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों एवं विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को कुलाधिपति पदक दिया जाएगा जिनमें 27 छात्राएं एवं 12 छात्र हैं। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में अनुसूचित जनजाति हेतु 100 बेड क्षमता के नवनिर्मित रानी दुर्गावती छात्रावास का लोकार्पण भी किया जाएगा। माननीय राज्यपाल कुलाधिपति द्वारा इस अवसर पर प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों, उपहार तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को किट वितरित की जाएगी। इस अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले मेरिट सूची के विद्यार्थियों को 23 एवं 24 नवंबर 2023 को विश्वविद्यालय परिसर में उत्तरी एवं पगड़ी वितरित किया जाएगा।